और इसी लिस्ट में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नंबर्स भी पहली तिमाही के आज आएंगे ड्यूरिंग द मार्केट आज ही ये नतीजे जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। नतीजे कैसे रह सकते हैं क्योंकि लगातार कंजम्पशन थीम FMCG जो है वो फोकस में और HUL की अगर बात करें ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रेडार पर रहता है। आइए नतीजों का अनुमान एक बार हमारी सहयोगी विनी से जान लेते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट से HUL पर उनका आउटलुक भी पूछेंगे। विनी, वॉल्यूम ग्रोथ, डिमांड और मार्जिन आउटलुक को लेकर किस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, अनुमान क्या कहते हैं HUL के नंबर्स की बताइए। तो HUL के ATM के नंबर्स जो मेनली देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 8% पे, प्रॉफिट ग्रोथ 14% पे और EBITDA मार्जिन में 80 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन है। नाउ ब्रेकअप देखते हैं नंबर्स का। वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 5% पे, तो ये टाइम दिख रहा है कि ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ सपोर्ट होगा देन प्राइसिंग लेड ग्रोथ जो कंपनी देख रही थी काफ़ी सारी क्वार्टर्स से, लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स से, तो यस मे बी ये टाइम अराउंड ज़्यादा वॉल्यूम लेड ग्रोथ होगी। मार्जिन की बात करें तो इंप्रूवमेंट हो रही है क्योंकि क्या हुआ है, पामर प्राइजेस रिड्यूस हुआ है, PFAD प्राइजेस में रिडक्शन हुई है, कंपनी ने कैलिब ग्रेटर प्राइस हाइक्स लिए HFD सेगमेंट में भी, तो यस इनकी वजह से मार्जिन में थोड़ी सपोर्ट रह रही है। पर यस जो रॉयल्टी का जो नंबर था वो थोड़ा हाई हो चुका है तो इसीलिए सिर्फ 80 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा मॉडस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट में और होम केयर सेगमेंट में भी, और सोप्स और लॉन्ड्री में देखें तो कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी ली थी, तो मॉडस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है होम केयर और ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट में। HFD सेगमेंट में मे बी थोड़ी चैलेंज रहेगी क्योंकि मिल्क इन्फ्लेशन अभी भी चल रहा है। मेन फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे तो कमेंट्री क्या आ रही है नए CEO से जो रोहित चौहान ने टेक ओवर किया हुआ है, तो यहाँ पे मेन कमेंट्री क्या है, उनसे स्ट्रैटेजी क्या है उनकी आगे जाते हुए कंपनी के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा डिमांड आउटलुक क्या है, मार्जिन आउटलुक क्या है, रूरल रिकवरी कैसे हो रही है वर्सेज अर्बन रिकवरी और ट्रैक्शन क्या है न्यूट्रिशन बिजनेस में, ये की फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल विनी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। HUL के नतीजों के अनुमान विवेक, वैसे वॉल्यूम ग्रोथ करीब 5% एक्सपेक्टेड है, डिमांड और मार्जिन आउटलुक पर जरूर नजर रहेगी लेकिन इनके जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन है और इसी के चलते एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि सेल्स फ्रंट पर और मुनाफे के फ्रंट पर और साथ ही मार्जिन के लिहाज से नतीजे जो हैं वो पॉजिटिव नजर आ सकते हैं। आपकी राय HUL पर? नतीजे हो सकता है पॉजिटिव आए क्योंकि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हम लोग देख रहे थे वो पिछले क्वार्टर में काफी हद तक मतलब मेलो डाउन हुए थे, तो मेनली पाम ऑयल वगैरह, और इन कंपनीज ने ओवरऑल FMCG कंपनीज ने काफी सेगमेंट्स में प्राइस हाइक भी लिया हुआ है, तो अगर जो एक्सपेक्टेशन है उतना ही अगर रिजल्ट आता है तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट स्टॉक में नहीं आएगा क्योंकि इस एक्सपेक्टेशन के कारण ऑलरेडी स्टॉक बढ़ चुका है। और सही में मार्जिन में ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है जो लोग उम्मीद कर रहे हैं 23 पॉइंट समथिंग की, उससे अगर ज्यादा आता है तो हो सकता है कि स्टॉक एक वापस रैली दिखाए। बाय द वे हम लोग जैसे जैसे बात कर रहे हैं ITC भी ऑल टाइम हाई पे अभी चल रहा है, तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है FMCG में। और एक और अच्छा फैक्टर ये हो गया कि मॉनसून ने काफी पिकअप कर लिया था, लेट बट पिकअप किया, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आज फेयरली वैल्यूड है ओवरऑल FMCG। बहुत बड़ी रैली में नहीं देखता हूँ अनलेस एंड अदरवाइज कोई पॉजिटिव सरप्राइजेस हो। फेयरली वैल्यूड FMCG स्पेस और HUL के नतीजों से अनुमान भी पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। HUL, ITC जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए।